अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। हरी हंत सिंध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे निज उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज सब आज भए कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवंदर कुमार राजा बन गए, कुछ विचित्रता को यहाँ प्रस्तुत किया गया कि देखिए इस संसार स्वरूप की विचित्रता कि एक व्यक्ति जिसका मरण होना देखा जा रहा था या जिसको मारने के बारे में सोचा गया था वो खुद मर गया, मारने वाला मर गया और जिसके मरने की संभावना नहीं थी या जिसके बचने की संभावना थी वो बच गया। कुछ भी समझ लो आप, ऐसा माने परस्पर विपरीत हो गया। काष्ठांगार मारना चाहता था वो मर गया, जीवंदर कुमार मरने वाले थे काष्ठांगार के अनुसार वो बच गए। जन्म शमशान में हुआ, जीवन एक व्यापारी के यहां बीता और अब युवा अवस्था में राजा बन गए और थोड़े समय बाद सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ले लेंगे। ये कितने उतार चढ़ाव एक ही व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। ये संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है, क्या पता किस समय कौन सी घटना किसके साथ कैसी घट जाए। इसलिए भाई समय को बलवान कहा गया है, समय बहुत बलवान है। आप अभिमान नहीं कर सकते हो किसी बात पर, क्या पता क्या घटना घट जाए। महापुरुषों के जीवन को जब उठा करके देखते हैं तो बिल्कुल परस्पर विरोधी और विपरीत बातें उनके जीवन में दिखाई देती है। देखिए हेलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लूज है वो। हेलो, माने हम तो प्रथमानुयोग को उठा करके जब देखते हैं तो उसमें इतने प्रसंग मिलते हैं, दो चार की तो बात हमने आपसे बीच में की थी। माने राजा श्रेणी को उठा करके देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है राजा श्रेणी आप उसके जीवन की विचित्रताएं देखो, कौन सा व्यक्ति है ये? ये वो व्यक्ति है जिसने अजैन कुल में जन्म लिया। ये वो व्यक्ति है जिसने धोखे से शादी की, मायाचारी की, छल किया। ये वही व्यक्ति है जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है। ये वही व्यक्ति है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव आया, अकेला भाव नहीं
यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। विचित्रताएं देखो आप, एक तरफ मरा हुआ सर्प डाल रहा है, दूसरी तरफ पश्चाताप का परिणाम हो रहा है, एक तरफ चाहिए सम्यक दर्शन ले रहा है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधना शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ हड़बड़ाहट में आत्महत्या करने का परिणाम आ रहा है। अब क्या पता वो आत्महत्या करने का परिणाम था कि हड़बड़ाहट में मर गया कुल मिलाकर के, कैसी घबराहट। अंत समय में जेल में पड़ा है और जेल में जाने के पहले भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आ रहा है। कितने परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ये वो जीव जो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहा है, नरक आयु का बंद कर लिया, पहले नरक में पहुंच गया। ये वो जीव जो आज पहले नरक में पहुंच गया है, ये भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है, भविष्यकालीन चौबीसी का पहला तीर्थंकर बनेगा महापद्म के नाम से। कितने उतार चढ़ाव आते हैं। पहले इतने इतने विरोधी, एक व्यक्ति आप मान सकते हैं, जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाला है, वो जीव एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करेगा। ये तो विचित्रता है। आप स्वीकार कर सकते हैं इस बात को। आपको यदि ये कहा जाए कि ये व्यक्ति थोड़ी देर बाद में तीर्थंकर बनने वाला है, ये महापापी, सातवें नरक में भी जगह नहीं मिले, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, ऐसा लगता है। हम किसी व्यक्ति के बारे में एक शायद सम्यक दर्शन लेने वाला है ये व्यक्ति, कौन व्यक्ति है ये? वो जो छल और मायाचारी से धोखाधड़ी से है किसी राजकन्या को फंसा लिया अपने जाल में, रानी चेलना को, महावीर भगवान की मौसी, बोलो ये कैसी कैसी दशाएं। अपने पुत्र को तैयार किया अभय कुमार को कि बेटा मुझे इससे शादी करनी है, तुम योजना बनाओ, तुम प्लानिंग करो, तुम क्या तैयारी कर सकते हो। मुझे लगता है भाई साहब ये बड़ी विचित्र है ये सारा खेल जगत का, कौन व्यक्ति कब बदल जाए, किसका जीवन कैसा उत्कृष्ट हो जावे और कौन कब कितना पाप में लीन हो जावे पता नहीं। होनहार बलवान है, जिसकी जैसी होनहार उसके अनुसार ही परिणाम चला करते हैं। पापियों के लिए विशेष प्रेरणा है, पापी जीवन बदल सकता है, पापी व्यक्ति बदल सकता है, बिल्कुल। माने पापी व्यक्ति भी बदल सकता है और पुण्यात्मा धर्मात्मा व्यक्ति भी पापी हो सकता है, कुछ ठिकाना नहीं है, परिणाम बदलते देर नहीं लगती। अपने आप को संभालने के लिए कह रहे हैं। देखो ऐसे प्रसंगों को देखकर हम दो वाक्य कहते हैं। नंबर वन, दूसरे व्यक्ति के खोटे से खोटे परिणामों को देखकर घृणा नहीं करना। कभी भी किसी व्यक्ति को देखा, ये कितना पापी है, ये चोर, ये बेईमान, ये धोखेबाज, ये नाला है कि व्यभिचारी, इसने ऐसा, ये शराब पीता है, इतने इतने पाप किए हैं इसने, कभी किसी के साथ में घृणा मत करो, नंबर वन। नंबर टू, पहला तो हो गया कौन सा, दूसरे के किसी के भी पाप परिणाम, पाप क्रिया, पाप भाव को देखकर उससे घृणा मत करो। नंबर दो, अपने अच्छे से अच्छे परिणाम देखकर अभिमान मत करो। बदल गया पता क्या, दूसरे के पाप देख करके घृणा मत करो और अपने अच्छे से, अरे मेरे कितने अच्छे परिणाम है, देखो आप, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा विधान कराया, मैंने ऐसा अनुष्ठान कराया, मैंने उनकी ऐसी सहयोग की, मैंने उनका ऐसा कर दिया, मैंने दुनिया, मेरे कितने अच्छे परिणाम है, दूसरों को बचाने के परिणाम, सिखाने के परिणाम, सहयोग कर, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। जब अपने पुण्य परिणाम चल रहे हो, शुभ भाव चल रहे हो, तो ये विचार करना, ये अटकने के स्थान बहुत हैं, यहां अटक न जावे। तो अपने उज्जवल परिणामों को देखकर उसमें अटक मत जाना और दूसरे के विकारी और पाप परिणामों को देखकर घृणा मत करना, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है। हमारा प्रथमानुयोग ये कहता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी तिर गए, अंजन से किए अकामी अंजन जैसे निरंजन हो गए, घोर पाप में लीन रहने वाले व्यक्ति भी मुनि हो गए, संत हो गए, त्यागी हो गए, अरहंत हो गए, भगवान महावीर हो गए, बोलो आप, यमपाल चांडाल जैसे, सातों व्यसन, कोवे का मांस छोड़ने वाले वील जैसे, जिनका काम ही हत्याएं करना था, मार देना था, ऐसे पापी व्यक्ति भी परमात्मा बन सकते हैं। तो सामने वाले ने यदि कोई पाप किया है तो कोई बात नहीं, क्या पता कब कौन सुधर जाए।
हर व्यक्ति सुधर सकता है, स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन सुनो, तुम अपने आप के बारे में जो घमंड कर रहे हो, मैं यार, मैं तो मेरे जैसे तो भाव कुछ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मेरे जैसा मिलेगा आपको ऐसा कोई व्यक्ति इतना सहयोग करने वाला? इन्होंने हमारा कितना बिगाड़ किया, लेकिन उसके बावजूद हमने इनका सहयोग ही किया। बोलो, मिलेगा क्या हमारे जैसा कोई व्यक्ति आपको दुनिया में? ढूंढ लेना भाई साहब, इतना बुरा किया है हमारे साथ में, उसके बावजूद हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा ओके, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको कोई। सुन, अपने परिणामों पर घमंड मत कर। भूतकाल में ऐसे उज्जवल परिणाम तुमने अनंत बार किए हैं, और इन परिणामों में दम क्या है? शुभावी तो है, मंद कषाय रूप परिणाम ही तो है। ये तो क्षयोपशम जन्य और पुण्य पाप जन्य उतार चढ़ाव अपने आप होते रहते हैं, इनमें कुछ दम नहीं है, ऑटोमेटिक होते रहते हैं। पुण्य परिणाम भी उज्जवल से उज्जवल अपने आप हो जाते हैं, और पाप परिणाम भी ये काल चक्र के अनुसार, भाव परावर्तन के अनुसार होते रहते हैं, इनमें भी कुछ दम नहीं है। तो फिर क्या करें? कि करने योग्य काम तो ये पुरुषार्थ करो, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर एक वेद विज्ञान करने का प्रयास करो, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करो, आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयास करो। मैं हूं जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, ये कहते हैं टोडरमल जी साहब, ये जानने का प्रयास करो। कल करेंगे चर्चा इसके बारे में। माने ये जो बातें हैं गहराई लिए हुए, जनागम में जो बातें कही है, ये प्रथमानुयोग के ये प्रसंग, ये उनको पाप में लिप्त दिखाकर फिर बाद में वैराग्य दिखाते हुए ये सिखाना चाहते हैं कि भाई देखो देखो, तुम अटक मत जाना। वो जो था ना कीचक कीचक, क्या अपने वो सुनाते हैं राजेंद्र पंडित जी, बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाते हैं। सौ सौ मुक्के खाए, इधर से भीम के मुक्के पड़ रहे हैं और अंदर में वेद विज्ञान चल रहा है, सम्यक दर्शन हो गया भीम के मुक्के खाते खाते। मालूम है आपको कीचक कौन था? अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी कुंती ये लोग सब जंगल में विचरण कर रहे थे, अज्ञातवास में वेश बदल करके रह रहे थे, कोई व्यक्ति पहचाने नहीं, तो ऐसे समय में किसी स्थान पर वो कीचक नाम का एक राजा था, और वो उसके परिणाम द्रौपदी को देख करके बिगड़ गए। क्या? द्रौपदी को छेड़ने लगा हूं, तो द्रौपदी ने उस बात की शिकायत की भीम से कि ये दुष्ट खोटे परिणाम है इसके। तो भीम ने कहा एक काम करना, अब तू उससे प्लानिंग करके उससे अकेले में मिलने की योजना बनाना। क्या? और तुम्हारी जगह साड़ी पहन करके मैं जाऊंगा। सो कीचक जो था उसको द्रौपदी ने ऐसा कहा, और वो तो खुश होकर के वो तो आ गया मिलने के लिए। और फिर भीम जो द्रौपदी के वेश में था, उसने इतना पीटा उसको, भीम उसको कीचक को इतना पीटा उसको कि मुक्के खाते खाते पिटते पिटते आगे में ये कह रहा है उसे सम्यक दर्शन हो गए। बोलो, रानी का भाई था, राजा नहीं था, खुद रानी का भाई था वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पिट रहा है वो, और पिटते पिटते उसके अंदर में अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप चल रहा है। आगम की बात है, जनागम ये बात कह रहे, पिट रहा है वो, पिटते पिटते इधर पिट रहा है और देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव हो रहा है। तजा हो गया, ये कैसा जनागम है, ये कैसी बातें कहते। पहले सुन रखी थी कि उसने ये बात? हो सकता है कभी सुनी हुई होगी, तभी तो होगा। क्या बातें तो पूर्व में सुनी हुई होगी, कल्याण तो तभी होगा। लेकिन वो बहुत रस लेकर के सुनाते हैं राजेंद्र पंडित जी साहब की, तो जो है आवाज और उनका तो तरीका, जबलपुर वालों का उनका तो पता नहीं। आप कह रहे हो और आगे की बात कह रहे, मैं तो बाद में मुक्के खा करके पिट करके जब वो बाहर निकला तो वैराग्य हो गया, मुनि हो गया वो तो। हमारे कितने तरह के उतार चढ़ाव कौन से व्यक्ति के जीवन में आते हैं, शंभु कुमार वगैरह की घटनाएं आप उठा करके देखो, प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार वगैरह श्री कृष्ण के बेटे थे,
मोक्ष गए उसी भाव से, और कैसे कैसे सप्त व्यसनों में लिप्त रहने वाले ऐसे पापी जीव। माने जिस व्यक्ति को आज आप पापी देख करके उसकी निंदा कर रहे हो, वो व्यक्ति कब बदल जाएगा? श्रेणिक का उदाहरण जैसे हमने आपके सामने दिया, आप भगवान महावीर स्वामी के जीव को लगा लो, मारीची की अवस्था में ऋषभदेव स्वामी का विरोध करके निकल रहा है ना, आप तो कहूंगा अवव्य है, महापापी है, कभी मोक्ष नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति तो कभी मोक्ष नहीं जा सकता है, ऐसा पापी व्यक्ति। फिर क्या हुआ थोड़े समय बाद में, वहां ऋषभदेव के समझाने से कुछ नहीं समझ में आया, और दो मुनिराजों ने जंगल में समझाया तो समझ में आ गया। शेर की अवस्था में, तिरियंच अवस्था में, शेर को मार फाड़ करके खा रहा है उस अवस्था में, कौन समझाए, किसको समझाए? होनहार भली हो तो सब बात समझ में आ जावे, और होनहार ही खोटी हो तो समझाने वाले कितने भी समझाते रहे कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम कितना भी समझा लो, आप 100 सिर के हो जाओ समझाते हुए, लेकिन नहीं समझेगा। कितने प्रसंग सुनाए आपको, कोई शांतिनाथ भगवान का क्या 10 भाव बाद में मोक्ष जाने वाले थे, 8-10 भाव बचे हैं अभी उनके मोक्ष जाने के लिए। नगर सेठ है, राजा है, बहुत प्रतिष्ठित हैं, और लेकिन इकलौता बेटा, परिणाम बिगड़, घर में काम करने वाली नौकरानी और झाड़ू पोछा करने वाली के ऊपर मन आ गया, बोले मैं तो इसी से शादी करूंगा, अब क्या करें बोलो। उनके बेटे को, शांतिनाथ स्वामी को नहीं, 8 भाव पहले की बात कर रहे हैं, उनके बेटे को ऐसे परिणाम बिगड़ गए। अब इतने प्रतिष्ठित परिवार वाले खूब समझाया बेटे को, मान जा बेटा नहीं अच्छी बात नहीं है, फिर ले कहा अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, आपने क्या कमी है कि नहीं बेटा जी शादी तो इसी से करूंगा, कि देख बेटा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, यही घर से निकाल देंगे तुझे, संपत्ति से बेदखल कर देंगे, कर दो, मुझे तो इसी से शादी करनी है, अब क्या करें बोलो। अब बेइज्जती के डर से वे व्यक्ति दोनों पति पत्नी रात को चिट्ठी लिखकर जहर खा करके मर गए। कौन मर गया जहर खा के, कौन मरा बेटा? जो शांतिनाथ बनेंगे अभी 8 भाव बाद में, जो बनेंगे ना वो 8-10 भाव बाद में, जिनको मोक्ष जाना है, जिनको तीर्थंकर बनना है, वो तो जहर खा करके मर गए। ठीक है, अब सुबह उठने के बाद में इसने देखा, चिट्ठी पढ़ी, माँ बाप की लाश देखी, और अब तो फिर माता पिता मरे, यही टांग अड़ाते थे बीच में, अब तो मजे से शादी करूंगा। अरे भाई साहब, परिणाम बदल गया, भाव बदल गया, वैराग्य आ गया, वेद विज्ञान हो गया, वेद विज्ञान भी हो गया, परिणाम भी बदल गया, शादी तो की नहीं, दीक्षा भी ले ली, मुनि बन गया, और उसी भाव से मोक्ष चला गया, भगवान बन गया। क्या इनके तो अभी सागरों सागरों बाकी हैं, असंख्यात वर्ष बाकी हैं अभी इनके मोक्ष जाने में। 8 भाव का मतलब जानते हैं आप? 8 भाव का मतलब क्या है? कितने भाव तो देवों के होंगे, देवगति के 2-4 भाव तो, 3-4 भाव तो देवगति के होंगे, वो जो भी गए होंगे सागरों पर्यंत की आयु होगी, एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात असंख्यात वर्ष भाव बाद में मोक्ष जाने वाले हैं ये तीर्थंकर बनने वाले जीव। इनका तो अभी संसार परिभ्रमण का काल लंबा है, और जिसकी सुधरनी थी उसकी ऐसी सुधर गई कि मोक्ष चला गया। अब ये समझा तुमने परिणाम किस कारण? अब बोलो, अब आप समझाओ, ये आप समझा रहे हो अपने बच्चों को, आप समझा रहे हो अपनी बहुओं को, बच्चों को, बच्चियों को, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, दिन रात एक कर दिए आपने समझाने के लिए कि सुनो, नहीं समझेगा किसी के द्वाप से, समझेगा अपने आप से, जब समझने का काल आएगा। हाँ, परिणामों के बदलने का कारण भी तो समझा, परिणामों के बदलने का एक कारण तो ये जो यहाँ जो बात चल रही है अपनी इस प्रसंग में, ये प्रसंग कह रहे हैं होनहार भलवान है, नंबर 1। ये कह रहे हैं भवितव्यता और काल लब्धि जब आनी होगी, काम तो उसके अनुसार होगा, और फिर तो परिणाम बदलने के लिए जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ किए जाते हैं वो तो तत्व ज्ञान का अवलंबन है। वो परिणाम पता है कब बदले होंगे उसके? ऐसा नहीं है कि माँ बाप का इकलौता बेटा था तो बचपन से संस्कार नहीं दिए होंगे, वो तो उसका चमत्कार है, पूर्व में पढ़ी होगी बातें, सुनी होगी बातें, सीखी होंगी, लेकिन अभी अभी तो
जवानी का जोश है, नहीं समझ में आ रही है बात, क्या करो आप। फिर वो बातें याद आ गई, पुरानी बातें, सुनी हुई बातें। इसलिए देखो ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो सुनी हुई बातें हैं, ये कभी बेकार नहीं जाती। कोई कोई व्यक्ति ये कहे अरे साहब इतना पढ़ा क्या काम आया, इतना पढ़ाया इतना सिखाया सब बेकार चला गया ना, गलत फहमी में मत रहना, सब काम आया। क्या पता कौन सी बात कब याद आ जाए, अपन सोच लेते हैं साहब ऐसा, इतना पढ़ाया साहब सब बेकार हो गया, सब खराब कर दिया इसने तो, कुछ मतलब नहीं निकला। फिर क्या है, किसी को अच्छे संस्कार मत दो, ये समझ में आती है ना फिर तो, क्या दीपेश जी इतने अच्छे अच्छे संस्कार दो और उसके बावजूद भी बिगड़ जावे तो निष्कर्ष क्या निकला, किसी को संस्कार मत दो, ये निष्कर्ष निकाला आपने। खाली बातें करने से क्या होता है भाई साहब, काम होने के पहले चर्चा भी होती है, चर्या में आने के पहले नियम से चर्चा होती है। जिसके जीवन में चर्चा ही नहीं है उसके जीवन में तो चर्या की संभावना भी नहीं है। चर्या की संभावना उसी के जीवन में बनती है जिसके जीवन में चर्चा होती है। तो पहले चर्चा तो करो, चर्चा ही नहीं, शादी होगी तो उसके पहले उसकी चर्चा भी होगी, बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके पहले उस संबंधी चर्चा भी होगी, इन सब कोई चर्चा नहीं और हम तो शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे होगा। मकान बनना होगा तो उसके पहले नक्शा भी बनेगा, नक्शा बने चाहे नहीं बने, हो सकता है कई लोग ऐसे भी मिल जाए जो हम तो शुरू कर दिया हमने तो बिना नक्शे, लेकिन चर्चा तो करेगा, चर्चा जरूरी है। देखिए खैर यहां तो कितनी तरह की बातें हमने की और निष्कर्ष क्या निकला कि संस्कारों में कमी छोड़ना नहीं और भवितव्यता और होनहार से मुख मोड़ना नहीं। संस्कार देने और संस्कार ग्रहण करने, इसके लिए निरंतर तत्पर रहना और फिर जो होनहार अनुसार हो जावे उस बात को क्रमबद्ध जानकर, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है ऐसा जानकर, होनहार ऐसी ही थी, भवितव्यता ऐसी ही थी, काल लब्धि इसी प्रकार की आ गई है, ऐसा विचार कर समता धारण करना। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़ाई करना, दिन रात एक करके कोशिश करना, यहां तक तुम्हारा काम ठीक है। अब रिजल्ट आवे और उस रिजल्ट में कुछ ऊंच नीच हो जावे तो परिणामों में शांति रखना होनहार का विचार करके। अब ये पहले ही होनहार रखे, जो होना हुआ हो जाएगा यार, कौन पढ़ेगा, तो फिर तेरी होनहार घोटी दिख रही आप समझ रहे। जो जो व्यक्ति योग्य रीति से पुरुषार्थ ना करे और होनहार की बात करे वो एकांतवादी है, उसका निषेध किया है हमारे यहां, वो नियतिवादी है, वो एकांतवादी है। आप सम्यक रीति से योग्य परिणामों पूर्वक सही दिशा में पुरुषार्थ करें, फिर जो रिजल्ट आवे उस समस्त रिजल्ट को सहजता से स्वीकार करें, हर परिस्थिति में सहज रहे, ये जनागम सिखा रहा है। देखिए आप होना क्या था, क्या हो गया, काष्ठांगार की मौत का क्या कारण था, ये कुछ बात यहां कहना चाह रहे। काष्ठांगार के मरण का सच्चा कारण, पेज नंबर है 494, 494 नंबर का यह पेज है, श्लोक नंबर है 50 और काष्ठांगार के मरण का सच्चा कारण देखें जरा क्या कहते हैं। जी जी विषा प्रपंचेन जातोयं राजवंचक काष्ठांगारोपि नष्टो भूत स्वयं नाशी ही नाशक। अपने जीने की इच्छा के विस्तार से राजा को धोखे से मारने वाला यह काष्ठांगार भी मारा गया, निश्चय से दूसरे का नाश करने वाला अपना ही नाश करने वाला होता है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है सारे जगत में, दूसरे के लिए खाई खोदने वाला खुद उसमें गिर जाता है, दूसरे के लिए संकट परेशानियां उत्पन्न करने के जाल बुनने वाला स्वयं ही उस जाल में फंस जाता है। जो मकड़ी
मच्छरों को पकड़ने के लिए जाल बनाती है, वह मकड़ी स्वयं ही उस जाल में फंस जाती है। इसलिए दूसरों के लिए बुरा कभी ना करें, ये शिक्षा दे रहे हैं। देखिए आप सरल अर्थ, जीने की प्रबल इच्छा से दुष्ट काष्ठांगार, काष्ठांगार सेनापति का नाम है, पुराने समय में राजा का सेनापति हुआ करता था, धोखे से उसने राजा को मार दिया और राजा को मारकर खुद राजा बन गया था, ठीक है, उसका नाम था काष्ठांगार। और जिस राजा को मारा था उसका बच्चा था जिसका नाम था जीवंधर कुमार, उसका बाद में जन्म हुआ और आज वो आ गया, फिर बाद में युद्ध हुआ, पता लग गया उस बच्चे को और उसने काष्ठांगार नामक दुष्ट मंत्री को मार दिया। ये पूरी घटना है। जीने की प्रबल इच्छा से दुष्ट काष्ठांगार ने अपने स्वामी उपकारक तथा सरल स्वभावी राजा सत्येंद्र को मायाचारी से मरवाया था। काष्ठांगार दुष्ट था, जो अपने स्वामी थे, जो राजा सत्येंद्र सरल स्वभावी थे, उपकार करने वाले थे, उनको मरवा दिया था। उसी दुष्ट काष्ठांगार को जीवंधर कुमार ने मार दिया। ये जीवंधर कुमार कौन है? जिन महाराजा सत्येंद्र को मारा था उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं सत्येंद्र, सत्येंद्र के बेटे जीवंधर। सत्येंद्र राजा मारे गए, मारा किसने था राजा जी? काष्ठांगार ने मारा था, फिर खुद राजा बन गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जीवंधर कुमार ने उसे मार दिया, क्योंकि दूसरे का नाश करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना ही नाश कर लेता है। दूसरों को मारने का परिणाम करने वाला व्यक्ति दूसरे को मार पाए या न मार पाए, उसने मारने का पाप तो बांध लिया, फल तो परिणामों का लगता है। अपने यहाँ अमृत चंद्राचार्य का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हिंसा और अहिंसा की बहुत मार्मिक चर्चाएं उस ग्रंथ में की है। ये भी ग्रंथ हमने कोई 18-20 साल पहले पढ़ा था यहाँ आप लोगों के बीच में, परीक्षा भी लेते थे उस समय, तो क्या आप लोगों की किसी लिस्ट भी होगी मेरे पास में पुरानी, एक बार मिली थी कहीं 97-98 के आसपास की, वो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था तब की। तो देखिए आप, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मार्मिक चर्चाएं थी। आप ठीक है, ध्यान है क्या आपको? तो ध्यान है, प्रवांटी को ध्यान है। देखिए आप, हैं आपको भी ध्यान है, आप द्रव्य संग्रह से आना शुरू किया था। चलिए, तो क्या था उसमें, क्या प्रसंग है भाई साहब, मुझे क्या समझाना है उसमें? मुझे बताना है, एक व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की, और जिस व्यक्ति की हत्या नहीं की उस व्यक्ति की हत्या करने का फल पहले ही भोग लिया, हत्या करने के पहले ही। ये फल कैसे भोग लिया? ये तो अन्याय है, कि अन्याय नहीं है, न्याय है। देखो, एक व्यक्ति को मारा आपने एक बार, या मारा नहीं और उसको 100 बार मारने का पाप आपको भुगतना पड़ा, मारा एक बार भी नहीं और 100 बार मारने का पाप भोग रहे, यार ये क्या पागल पर है यार, ये कैसी उटपटांग बातें, उटपटांग बातें नहीं है। तूने एक बार मारने का भाव किया तो अब मारने का भाव किया तो तेरे हिसाब से तो मार दिया तूने, फल तो भावों का लगता है ना, अब तुझे हिंसा का पाप लग गया, बराबर। 2 दिन बाद में तुझे फिर विचार आया, यार कैसे योजना बनाई जाए इसको मार देने की, अब तेरे मन में चल रही है ये बात, फिर तेरे सुबह तेरे मन में आई थी, दोपहर में फिर तेरे मन में चल रही है। हर समय का फल लगता है, हर समय का। मनोज जी साहब, अनंत गुना फल भुगता है ये जीव, इसको अंदाजा नहीं है, अभी अभी अनंत गुना समझ में नहीं आया आपको। देखो, आपके मन में किसी चीज को चोरी करने का भाव आया, बराबर, चोरी करने का भाव आया, आपने ये देखा कि यार इन्होंने जो है ना ये अपना मोबाइल ये टेबल के अंदर यहाँ नीचे रख दिया, अब ये भूल जाए और मैं लेकर के चला जाऊं, ये क्या कर रहा है व्यक्ति? ये भाव कर रहा है, ये दूसरे व्यक्ति का पेन पड़ा हुआ है वहां, ये इसकी ये चीज रखी हुई है,
ये चीज मैं ले लूं और चोरी कर लूं, ऐसा मन में आया इसके। अब मन में आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मन में आते ही चोरी हो गई, चोरी कर ली गई? नहीं नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट इसके मन में चलता रहा, इसकी निगाह उसके ऊपर है, अभी देख नहीं रहा है क्योंकि दूसरा व्यक्ति मौका देखेगा ना, अभी तो मन में चल रहा है इसके। फिर क्या किया, थोड़ी देर बाद प्रवचन खत्म हो गया, सभा उठ गई और वो उठ करके चले गए, सब इधर इधर उधर चले गए, कोई नहीं दिख रहा था। ये आया वहां और वहां आकर के जैसे ही उठाने का प्रयास करने लगा, कोई व्यक्ति आ गया। क्या हुआ, आप वापस कैसे आ गए इधर? कुछ नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे, फिर इधर उधर हो गया। अभी उसके मन में चल रही है, देखो कितनी देर हो गई, 15 मिनट निकल गए, आधा घंटा निकल गया, एक घंटे से चल रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक घंटे से चल रहा है, चोरी करने का फल या चोरी करने का पाप एक घंटे तक चला है, सोचना बारीकी से अरुण जी, वैसा बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं मैं, दिव्य जी बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं, एक समय का परिणाम चोरी करने का, चोरी करने का पाप लगता है एक समय के परिणाम में। अब वो परिणाम एक समय चला, अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था, अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था, अगले समय फिर नया परिणाम उत्पन्न हुआ, वो परिणाम भी चोरी का था। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, एक सेकंड में आपका यदि वो चोरी करने का परिणाम एक सेकंड यदि लगातार चला है एक सेकंड के लिए, तो असंख्यात समय आपने चोरी करने का पाप बांधा है, असंख्यात बार। एक मिनट यदि आपका परिणाम चला है तो एक मिनट में जितने समय होंगे उतने समय लगातार चोरी 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 का पाप लगाए। पौन घंटे तक यदि आपके चित्त में किसी वस्तु को चुराने का भाव चलाए तो आपने कितनी बार चोरी करने का पाप बांधा है, ये बताओ। अब फल फल कैसा मिलेगा सोचो जरा आप, एक समय मात्र के जो अभी मैंने चोरी पर बतलाया है, इसको हिंसा पर लगाओ, इसको कुशील पर लगाओ, इसको व्यभिचार पर लगाओ, इसको ऐसे खोटे खोटे पापों के ऊपर लगाओ आप, जहां जहां आपको परिणाम आया। इसलिए टोडरमल जी साहब का एक वाक्य मुझे याद आता है, महापंडित टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर एक बात कही है उन्होंने, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या फल तो परिणामों में जो वासना है उसका लगता है, माने इन इन पंक्तियों में कितनी गहराई है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, सेवन नहीं मूल क्या है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा मूल है का मतलब समझ गए आप, दोसे तुमने कितनी बार खाए होंगे लेकिन जितनी बार तुमने खाने का परिणाम किया तो तुमने खाने रूप उसको भोगने रूप तो पाप बांध ही लिया। बोलो खाया नहीं, जबकि पांचों इंद्रियों में लगेगी, सब सब पाप में, झूठ बोला नहीं आपने, झूठ बोलने का पाप। बोलो स्कूल नहीं गए किसी कारण से, अब मन में परिणाम ये चल रहा है, दूसरे दिन जाएंगे मेरे से पूछेंगे तो ऐसा बतला दूंगा, होमवर्क किया नहीं हुआ नहीं ऐसा होगा तो ऐसा बतला दूंगा, वो पूछेंगे तो ऐसा जवाब दे दूंगा, फिर वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा कह दूंगा, रात को लाइट नहीं आई थी इसका ऐसा नहीं हुआ था, बाहर ऐसा हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, किसी ने नहीं पूछा है तुमसे कुछ भी, क्या अगले दिन सुबह स्कूल में किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्या मैंने मैंने स्कूल की बात कही है, आप ऑफिस की बात लगा लो अरुण जी साहब, क्या आप दुकान की बात लगा लो, आप जहां जहां आपको लगाना है, आप मंदिर की बात लगा लो, आप किसी भी व्यक्ति, आप मन में बुनता रहता है चलता रहता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कह देंगे उसको, ऐसा कह देंगे, ऐसा ऐसा बना लेंगे, अरे तो जबरदस्ती पाप करने के क्यों परिणाम कर रहा है, तत्समय जो होगा जो हो जाएगा, तो झूठ क्यों बोलना चाह रहा है, पहले से ही झूठ बोलने की, जब झूठ बोला नहीं उसने क्योंकि मौका ही नहीं पड़ा, स्कूल गया और होमवर्क चेक ही नहीं किया गया
और पूछा ही नहीं, और टीचर ने पूछा ही नहीं कल क्यों नहीं आए थे या तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रही थी प्लानिंग 24 घंटे से, क्या उसका पाप कौन भोगेगा ये बताओ। अपने परिणाम फल परिणामों का लगता है भाई साहब, परिणामों को संभालो। क्या एक एक समय के परिणाम का फल है, एक एक समय के परिणाम का फल है। क्रिया की तुलना में परिणाम का फल बहुत गुना ज्यादा है। जनाब हम तो परिणाम नहीं अभिप्राय की बात करता है, श्रद्धा की बात करता है। चोरी करना और नहीं करना तेरे हाथ की बात भी नहीं है, क्योंकि पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना वो उसकी क्रियावर्ती शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल। कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान।